डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गूगल एनालिटिक्स। और गूगल एनालिटिक्स में भी पुराना वाला एनालिटिक्स और नया वाला गूगल एनालिटिक्स, देखते हैं क्या फ़र्क है और एक कॉमन लेमैन क्या क्या उसमें से समझ सकता है। आप अगर एक ब्लॉगर हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो उसमें से क्या समझ में आ सकता है, ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो ये पुराना वाला गूगल एनालिटिक्स खुला हुआ है, तो जब आप यहाँ क्लिक करते, यहाँ ऑल अकाउंट्स जस्ट बाजार लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टीज एंड ऐप्स में आपके सारे वेबसाइट्स जो आपने बनाए हैं, जो यहाँ ऐड किए हैं, वो दिखते हैं। तो ये जो पुराने वाले एनालिटिक्स होते हैं उनमें आपका GA4 नहीं लिखा होता, ये जो लिखा हुआ है GA4 ये नहीं लिखा होता। और प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है UA82639762 करके, और जो नए वाले होते हैं उनमें G4 आपका लिखा होता है। एक तो ये बड़ा डिफरेंस है। और ये देखिए, ये sunilterms.com का पुराना वाला गूगल एनालिटिक्स है और ये नया वाला है। तो मैं sunilterms.com पे चलता हूँ, इसी वेबसाइट के मैं आपको दोनों एनालिटिक्स शो करने वाला हूँ। तो आप पहले यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ व्यूज पे ऑल वेबसाइट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर लेगा, ये लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सुनील टेम्स का नया वाला एनालिटिक्स खुला हुआ है GA4, और मैं इस वाली विंडो में, दूसरी विंडो में मैंने ये खोला है पुराना वाला। तो पुराने वाले में सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है होम, और कस्टमाइजेशन है, और उसके बाद है आपका रियल टाइम की रिपोर्ट। रियल टाइम में आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ओवरव्यू, लोकेशंस, ट्रैफिक सोर्सेज, कंटेंट, इवेंट्स, कन्वर्जेंस। फिर आपके पास है ऑडियंस, ऑडियंस में आपके पास ओवरव्यू है, एक्टिव यूजर्स हैं, लाइफ टाइम वैल्यू है, डेमोग्राफिक्स भी हैं ऑडियंस के, इंटरेस्ट, ज्योग्राफी, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, क्रॉस डिवाइस, कस्टम, बेंचमार्किंग, सब कुछ है। पुराने वाले में ज़्यादा चीज़ें हैं। एक्विजिशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल ट्रैफिक, चैनल्स, ट्री मैप्स, गूगल एड्स, सर्च कंसोल, सोशल कैंपेन्स। फिर बिहेवियर है, बिहेवियर में ओवरव्यू है, बिहेवियर फ्लो है, साइट कंटेंट है, ऑल पेजेस, कंटेंट ड्रिल डाउन, लैंडिंग पेजेस, एग्जिट पेजेस। उसके बाद साइट स्पीड है, साइट सर्च है, देयर आर मेनी ऑप्शंस, और ये लास्ट में सेक्शन है कन्वर्जेंस का। तो एक पुराने वाले एनालिटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब मैं नए वाले पे चलता हूँ, तो नए वाले में आप देखोगे कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। यहाँ सबसे पहले है रिपोर्ट्स स्नैपशॉट, जो कि पुराने वाले में है कस्टमाइजेशन और होम, नए वाले में है रियल टाइम। मुझे आज भी पुराना वाला ज़्यादा सूट करता है, बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, या फिर उसमें चीज़ें मुझे जल्दी से समझ में आती हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। तो दोनों सेम वेबसाइट के खुले हुए हैं। फिर इसमें आता है आपका एक्विजिशन, लाइफ साइकिल में एक्विजिशन ओवरव्यू, यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन। एक्विजिशन माने होता है कि आपने कब्जा किया, ग्रहण किया, तो ये बताएगा आपको कि कैसे आपने ट्रैफिक को ग्रहण किया, कैसे ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया। तो यहाँ जो दिख रहा है, फरवरी 12 से लेके मार्च 11 तक का एक्विजिशन है, और पिछले 30 मिनट में एक यूज़र वेबसाइट के ऊपर रहा है, और ये यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा स्पाइक हुआ है 1000 के आसपास। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यू यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर कैसे आए। तो 1300 लोग डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट आए हैं 1300 लोग, और सोशल मीडिया से 251 लोग हैं, ऑर्गेनिक सर्च से 102 लोग आए हैं। मैं आपसे कहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर है, सबसे वैल्यूएबल, वो है ऑर्गेनिक। सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट डाली, वहाँ से भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट भी आ रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि लोग आपको जानते हैं, वो आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट खोल रहे हैं, और ऑर्गेनिक वीडियो से भी मेरी 92 आ रही हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो ये भी ऑर्गेनिक है सोशल वाला, बट ये लोगों ने आपको ढूंढा है, सर्च किया है, तब आप मिले हो। तो इस तरीके से हम ट्रैफिक को एक्वायर कर रहे हैं, और डायरेक्ट इतने सेशंस हुए हैं, 1400 सेशंस हुए हैं, और 1300 लोग आए हैं, यानी 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल सेशन किया है, आप ऐसे समझ सकते हो। 251 लोग सोशल से आए हैं और 263 लोग सेशंस हुए हैं, इसका मतलब है कि 12 लोगों ने डबल सेशन किया है। ऑर्गेनिक सर्च 102 है, और 250 जो है सेशंस हैं, इसका मतलब है कि
हर आदमी ने डबल सेशन किया है, 102 का दूना हो गया 204, बट यहाँ 250 है, तो लगभग ढाई गुना हर आदमी सेशन किया है वेबसाइट के ऊपर। इसका मतलब वो एक बार वेबसाइट पे आया, फिर दोबारा आया, और फिर आधी बार और आया। आधी बार कोई आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 102 लोगों ने 2 बार सेशन किया है, और बचे 46 46 लोगों ने 3 बार सेशन किया है। इसका मतलब हुआ कि टोटल 2.5 बार सेशन हुआ है। वीडियो 92 लोगों ने देखी है, वीडियो से जो ट्रैफिक आया है, बट यहाँ पर भी 122 यानी 30 लोगों ने डबल सेशन किया है। 36 पेड है, यहाँ भी 39 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेड सर्च 32 है, 36 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेफरल 21 और 31 है, ये दूसरी वेबसाइट से आता है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को समझते हो। उसके बाद यूजर एक्विजिशन देखते हैं क्या है इसमें। ये नया वाला एनालिटिक्स है, GA4 वाला। तो यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शो किया गया है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एंगेजमेंट रेट आप यहाँ देख सकते हो, एंगेज्ड सेशंस आप देख सकते हो, इससे भी आपको समझ में आएगा कि कितने सेशंस एंगेज्ड हैं क्या है। तो ये कन्वर्जन्स भी आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये चीज़ अगर आप समझते हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे आपको पैसा बनाने में मदद मिलेगी। ये एक्विजिशन है, ट्रैफिक एक्विजिशन, ये ओवरव्यू है, उसके अंदर यूजर है, ट्रैफिक है, तो कुल मिलाकर वो एक्विजिशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं अब एंगेजमेंट पर। चीज़ें लगभग रिलेटेड है क्योंकि वो वेबसाइट के ट्रैफिक की बात कर रही हैं, बट फिर भी देखते हैं कि एंगेजमेंट ओवरव्यू के अंदर क्या है। ये नया वाला गूगल एनालिटिक्स हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो एंगेजमेंट ओवरव्यू है, 23 सेकेंड का है एंगेजमेंट टाइम, कि जो व्यक्ति आ रहा है वो 23 सेकेंड ही रुक रहा है वेबसाइट पर, बहुत कम है, बहुत कम। इसका मतलब है कि वो वेबसाइट को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं मान रहा है, बट ये एवरेज टाइम है। हो सकता है कि कुछ लोग 4 मिनट बता रहे हों, कुछ लोग 2-4 सेकंड में ही जा रहे हों, तो ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात भी नहीं है। तो एंगेज्ड सेशंस पर यूज़र, अब जो लोग ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं मन से, वो 0.67 यानी 1 मिनट से ज़्यादा रह रहे हैं। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग 30 सेकेंड हों और कुछ लोग 2-4 मिनट हों। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, एवरेज थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे इसको देख सकते हैं वो देखने वाली बात है। तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, इस पर 12 फरवरी से 11 मार्च तक 5,000 लोगों ने देखा है, और 14,000 इवेंट्स हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। ये अच्छी बात है, मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ है। इवेंट्स का मतलब है लोगों ने क्लिक किया है, कुछ भी किया है, ब्राउज किया है, ब्राउज भी एक इवेंट में ही आता है। इवेंट यहाँ लिखे हुए हैं राइट साइड में, पेज व्यू 5,000 लोगों ने किया है, स्क्रॉल इवेंट में आता है 3,000 से ज़्यादा लोगों ने किया है, 2,000 से ज़्यादा लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है, 1,800 लोग पहली बार आए, और 1,500 लोगों ने एंगेज किया है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और लोगों ने आइटम देखा 477, और 184 लोगों ने क्लिक किया है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। नई वेबसाइट है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। कौन कौन से पेज देखे हैं यहाँ पर दिखेगा आपको, व्यूज बाई पेज टाइटल एंड स्क्रीन। तो जो होम पेज है सुनील टेम्स गुरुजी, ये 2,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। जो मेरा स्टोर है 317 लोगों ने देखा है, और जो ये कोर्स है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 301 लोगों ने देखा है। फास्ट ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग 195, तो यहाँ डिटेल दिखेगी कौन सा पेज कितने लोगों ने देखा है। यूजर स्टिकनेस, यूजर स्टिकनेस का मतलब है कितनी देर यूजर आपके वेबसाइट से चिपक के रहा, मतलब कितनी देर आपकी वेबसाइट पर रहा। तो 3 तरह की लाइन है यहाँ पे, और ये देखना पड़ेगा ये क्या है, DAU MAU, ये मुझे वास्तव में नहीं मालूम, इसके ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ। तो कुछ है, ये 3 तरह की लाइन दे रखी है इन्होंने। क्लिक करके भी कोई आ नहीं रहा, मोस्टली क्या होता है चीज़ें दिख जाती हैं, तो ये ऐसे ही है। चलिए इसके ऊपर देखेंगे, समझेंगे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि है क्या ये पंडा नए वाले गूगल एनालिटिक्स में। उसके बाद एंगेजमेंट में बात आती है इवेंट्स की, तो इवेंट्स में भी वही कुछ ग्राफ आ रहा है, क्योंकि सेम चीज़ है वो तो ऐसे ही रहनी है, ट्रैफिक ऐसे ही आया है तो ग्राफ तो सिमिलर ही रहेगा, बट यहाँ पेज व्यू है, स्क्रॉल है, वही चीज़ें डिटेल में दी गई हैं जो पहले दी गई थी। कन्वर्जन्स देख लेते हैं, कन्वर्जन्स में आप कन्वर्जन्स बाय इवेंट नेम ओवर टाइम,
ये कन्वर्जन्स बताए गए हैं यहाँ पे। टोटल यूजर्स 8 हैं, परचेज की गई है और इस तरीके से ये 99 रुपीज़ की परचेज है। इवेंट रेवेन्यू इतना है और ये 1 महीने में है, यानी इस वेबसाइट से सेल नहीं आई है, जो भी सेल आई है वो बाहर से आई है। पेजेज एंड स्क्रीन्स की डिटेल आप यहाँ देख पाओगे कि कौन कौन से पेज खुले। तो ये पेज सबसे ज़्यादा खुला है, दिस इज माई होम पेज सबसे ज़्यादा खुला है, फिर स्टोर है, फिर गुरुजी इंडिया है, फास्टैग है। तो वही चीज़ हमने पहले देखी है, वही पेजेस की बात यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो, इतना फ़र्क है। मोनिटाइजेशन आप देख सकते हो यहाँ से कि आपने अगर एडसेंस लगाया है, ये मोनिटाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एडसेंस से रिलेटेड है, तो कितना आपकी वेबसाइट कमा रही है एडसेंस से। बट ये सेल का भी दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से सेल हुई है, इतना पैसा कमाया आपकी वेबसाइट ने, 99 रुपीज़। और 6 परचेज दिखा रहा है जिसमें मुझे लग रहा है 5 फ्री की परचेज हैं और 1 पेड परचेज है छोटी सी। और मेरा एक और स्टोर है डिफरेंट, वहाँ से सेल आती है और यहाँ से भी सेल आती है। उसके बाद है ई कॉमर्स परचेजेस। ये मोनिटाइजेशन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट ने पैसे कितने कमाए हैं। अब इस पैसे कमाने में ई कॉमर्स परचेज भी है और एडसेंस का ये सेक्शन है, पब्लिशर एड्स, ठीक है। तो एक्सप्लोर आप करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा टाइम देना चाहिए गूगल एनालिटिक्स को, रेगुलरली टाइम देना चाहिए। जितना आप गूगल एनालिटिक्स को समझेंगे उतना बेटर डिसीजन आप अपनी वेबसाइट के बारे में ले पाएंगे। तो ये ई कॉमर्स परचेजेज हैं यहाँ पे, ये 2.42% है कार्ट टू व्यू रेट। बाकी ये एमएस ऑफिस और गूगल टूल्स का है, 28 सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, बाकी का नहीं है यहाँ पे। और पब्लिशर एड, ये एडसेंस है। अभी ऐप कोई है नहीं मेरी, तो इन ऐप परचेजेस का कोई सीन नहीं बनता है, ये पब्लिशर एड्स हैं। तो एडसेंस मेरी वेबसाइट पर नहीं लगाया है, क्योंकि एडसेंस क्या करता है कि यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करता है, और मेरी वेबसाइट से मैं खुद ही अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट से ट्रैफिक बाहर जाए, तो एडसेंस हमने नहीं लगाया अपनी वेबसाइट के ऊपर। एडसेंस से कोई ज़्यादा इनकम भी नहीं आती है। ये रिटेंशन है, 1800 यूज़र हैं और जो 114 यूज़र हैं जो दोबारा वेबसाइट पर वापस आए हैं। कब से वापस आए हैं? मोस्ट प्रोबली क्योंकि हम 1 महीने की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो पिछले महीने से ये वापस आए हैं, इस तरीके से है। और अब यहाँ यूज़र का आप डेमोग्राफिक्स चेक कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स ओवरव्यू, डेमोग्राफिक्स मतलब डिटेल, एज कहाँ से है, कैसे है, वो सब देखेंगे अभी। तो आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से आया है 829, यूनाइटेड स्टेट से है 261, सिंगापुर से 126, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। अच्छा है, विदेशी ट्रैफिक आ रहा है। अब इसका लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये रियल में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कभी कभी इस पर डाउट होता है। तो ये है। और अगर सिटी की बात की जाए तो बेंगलोर से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है, सिंगापुर से 125 है, आगरा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, दिल्ली, इस तरीके से आप सिटीज़ की डिटेल यहाँ देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले लोग बहुत कम हैं और बाकी लोग हैं ही नहीं। उसके बाद डेमोग्राफिक्स डिटेल्स में हम जाके देखते हैं क्या है। डेमोग्राफिक्स डिटेल में भी वही चीज़ है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स का दोबारा से ग्राफ आया है और यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल है, न्यू यूजर्स कितने हैं, पुराने कितने हैं, एंगेज्ड सेशंस कितने हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है और एंगेजमेंट एवरेज क्या है। ये सब चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। आपको लगता है किसी पेज पर अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है तो उस पेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो उस पेज का। उसके बाद है ये टैग सेक्शन। टैग सेक्शन मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, देख लेते हैं क्या है इसमें। टैग सेक्शन में टैग सेक्शन का मतलब है कि किस प्लेटफॉर्म से यूज़र आपके पास आए हैं। तो 100% जो प्लेटफॉर्म से आए हैं, वेब से आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे यहाँ पर डाउट है कि मोस्टली लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, बट वो वेब बोल रहा है उसका मतलब है कि कमेंट अगर फेसबुक से भी गया है, व्हाट्सएप से भी गया है, तो जो लिंक खुला है वो ब्राउज़र में खुला है और उसको शायद ये वेब की संज्ञा दे रहा है, वेब बता रहा है, क्योंकि ऐप से नहीं आया। अब वेब पे ही खुला है सब कुछ और यहाँ बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ब्राउज़र, ब्राउज़र में ही खुला है सब कुछ, दैट इज़ वेब, वेबसाइट, ऐप नहीं है मेरी, तो ऑब्वियसली ऐप से नहीं आएगा ट्रैफिक। तो कहाँ कहाँ खुला है? एंड्रॉयड, विंडोज़, आईओएस। एंड्रॉयड पे सबसे ज़्यादा खुला है, मोबाइल पे सबसे ज़्यादा लोग यूज़र्स हैं,
तो फिर विंडोज़ पे खुला है, फिर iOS, फिर मैक का मतलब है शायद एप्पल का कंप्यूटर, फिर 154 लिनक्स वाले भी हैं, 14 क्रोम OS वाले भी हैं। और यूजर्स बाय प्लेटफॉर्म डिवाइस कैटेगरी तो डेस्कटॉप से 965 हैं टोटल। देखिए ये विंडोज़ है जो 613 है, और जो मैकिंटोस है ये 187 है, तो 600 और 700 और 87 और 13 तो 800, और लाइनेक्स वाले 114 है, ये सारे ही वेब हैं। तो इन तीनों को टोटल किया तो 965 बना, बाकी लोग मोबाइल वाले हैं तो ये 853 है, एंड्रॉयड वाले और iOS वाले तो ये 853 है, और टैबलेट वगैरह के 45 है। यहाँ से आप आइडिया रेगुलरली लेते रहो। सबसे ज़्यादा लोगों ने क्रोम ब्राउजर में खोला है, और ये डिवाइस का आपको स्क्रीन साइज भी बता रहा है कि कौन सी स्क्रीन साइज पे आपका खुला है। टैग डिटेल्स में आप जाके देख सकते हो, टैग डिटेल्स में आप देखेंगे कि क्या है। वो थोड़ा सा डिटेल आ गया कि कौन से ब्राउजर पे किसने खोला है, कितना एंगेजमेंट रहा है, एंगेज्ड सेशंस क्या है, एंगेजमेंट टाइम क्या है, तो कुल मिलाकर ये डिटेल्स हो गई हैं। और एक लास्ट सेक्शन है यहाँ पे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सेक्शन में देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ योर कलेक्शंस एंड रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन वन प्लेस वेयर यू कैन कस्टमाइज देम एंड क्रिएट मोर कलेक्शंस, अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स इन द लेफ्ट नेविगेशन। तो यहाँ कोई आप कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बना सकते हो, वो एक्विजिशन की भी हो सकती है, एंगेजमेंट की, मोनिटाइजेशन की, डेमोग्राफिक्स की, तो कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ दी गई हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मैं एक्विजिशन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, तो मैं इस पर टिक करूँगा तो वो रिपोर्ट यहाँ चली जाएगी और मुझे यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक्विजिशन ओवरव्यू का जो खुल गया पूरा, जो हम पहले भी देख चुके हैं अलग सेक्शन में। उसके बाद ये सेक्शन था आपका, ये हमने देख लिया है एनालिटिक्स का, रिपोर्ट्स का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है हमारा एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर सेक्शन में हमारे पास नए तरीके से हम कोई एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। आपको एक फ्री फॉर्म मिला हुआ है, एक फनल एक्सप्लोरेशन मिला हुआ है, एक पाथ एक्सप्लोरेशन है, सेगमेंट ओवरलैप है। तो यहाँ आप अपना कोई कस्टम रिपोर्ट या एक्सप्लोरेशन बना सकते हो, कोई कस्टम चीज़ आप देखना चाहते हो, कन्वर्जेंस या कोई इवेंट, कोई एक्विजिशन, कुछ भी आप देखना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट हियर। और मैं इसके ऊपर सेपरेट रिसर्च करके समझ के एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा एक्सप्लोरेशन में। उसके बाद ये ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, तो होपफुली ये सेक्शन रिलेटेड होगा कि आपने क्या एडवर्टाइज किया है गूगल के ऊपर, कितना किया है। तो ये एडवर्टाइजिंग है, गूगल ऑर्गेनिक ड्रॉप द मोस्ट कन्वर्जन्स 50%। तो मेरे जो मोस्टली कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक हैं, और 8 मार्च को इवेंट काउंट स्पाइक हुआ है बहुत ज़्यादा, वो हमने देखा एकदम लंबा ऊंचा सा ग्राफ था, और इनसाइड डायरेक्ट अपीयर्ड इन 50% ऑफ योर कन्वर्जन पाथ्स। तो ये चीज़ें हैं, जितना आप इनके ऊपर टाइम दोगे वो आपको समझ में आएगी। और लास्ट में एक सेक्शन है कन्फिगर, आप यहाँ चीज़ें कन्फिगर कर सकते हो, क्रिएट इवेंट कर सकते हो, उस इवेंट को ट्रैक कर सकते हो आप, कन्वर्जन्स हैं यहाँ पे, ऑडियंस को कन्फिगर कर सकते हो, कस्टम डेफिनेशंस, डीबग व्यू, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये पुराना वाला एनालिटिक्स है जिसमें आप देख रहे हो कि चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं रियल टाइम ट्रैफिक, ये पुराना वाला है। और क्योंकि पुराना वाला गूगल एनालिटिक्स मेरी वेबसाइट पे इस समय नहीं है, तो यहाँ कोई ट्रैफिक को रिपोर्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक समय में एक ही एनालिटिक्स काम करता है, और अगर दोनों करते होंगे तो आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट, देखना पड़ेगा, दोनों शायद काम नहीं करेंगे। तो बट गूगल टैग मैनेजर के माध्यम से अगर कुछ किया जा सकता है दैट कैन बी पॉसिबल, बट अभी ऐसा नहीं है। तो जो नया वाला गूगल एनालिटिक्स है उसमें पिछले 30 मिनट में एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया है यूनाइटेड स्टेट से, और इसमें और क्या ऑप्शन है, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा रियल टाइम रिपोर्ट। रियल टाइम ओवरव्यू,
तो पिछले 30 मिनट में एक यूजर आया है और इसमें अभी इतना ही पता चल पा रहा है, बट यहाँ अगर हम ये है। अब एंगेजमेंट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है, जल्दी जल्दी मैं जिसे देखता रहता हूँ वो चीज़ क्या है। तो वो है एंगेजमेंट के अंदर पेजेस एंड स्क्रीन्स, मैं इसे देखता हूँ मोस्टली, और यहाँ से मैं आइडिया लगाता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर कौन से पेज पर कितना ट्रैफिक है, इवेंट काउंट क्या है, रेवेन्यू क्या है। तो मोस्टली मैं सिर्फ ये देखता हूँ, पेजेस एंड स्क्रीन्स और रियल टाइम, मैं दो ही चीज़ें यहाँ देखता हूँ। और पुराने वाले एनालिटिक्स में मैं रियल टाइम देखता था, देखता हूँ दूसरी वेबसाइट्स के लिए, और पुराने वाली वेबसाइट में मैं बिहेवियर के ऊपर जाके साइट कॉन्टेंट में ऑल पेजेस में चेक करता हूँ। अब सुनील टाइम्स डॉट कॉम के ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये दो जगह मैंने लगाया हुआ है पुराना वाला, तो यहाँ से ही ट्रैफिक आ रहा है। बट अगर मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाऊं, मेरी वेबसाइट है दूसरी जस्ट बाजार, इसके ऊपर मैं दिखाता हूं आपको बिहेवियर और साइट कंटेंट के अंदर ऑल पेजेस, तो यहां से आपको आइडिया मिलेगा। फ़रवरी 10 से लेके 11 मार्च तक का ट्रैफिक है ये, तो 13,427 लोगों ने विजिट किया है मेरी वेबसाइट को, जिसमें से यूनिक लोग हैं 9,265। इसका मतलब है 4,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार विजिट किया है। तो ऐड योर लिस्टिंग, क्योंकि बिजनेस डायरेक्टरी है ये, तो सब लोगों ने बिजनेस डायरेक्टरी पे ऐड करने के लिए ही किया है, और अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस किए हैं, और इस लिस्टिंग से, इस जो पेज है इससे उनको ट्रैफिक आता है, हमें लोग ढूंढते हैं फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स वगैरह, और ये और पेजेस हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक है, दूसरा ये है, आप यहाँ से अपने पेजेस को ज़्यादा करके देख सकते हो सारे पेजेस को कौन से हैं। एक और चीज देख सकते हो आप, जैसे मान के चलिए ये जो पेज है ये वाला, फिगर्स ऑफ स्पीच मैरिज विद एग्जांपल्स 41, तो एक चीज यहाँ क्लियर हो जाती है कि 41 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। इससे एक चीज क्लियर होती है कि आपकी ये जो चीज है, ये जो पेज है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये दिख रही है, 41 लोग आ रहे हैं। तो अब आप थोड़ा एफर्ट लगा के इस पोस्ट को, इस पेज को थोड़ा और इम्प्रूव करें और रिच करें और इसको ऑप्टिमाइज करें, इसमें और वैल्यू ऐड करें, तो ये जो ट्रैफिक है 41 बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। और मैं टाइम टू टाइम अपने पेजेस को इम्प्रूव करता रहता हूँ, बट यहाँ पर टोटल आप बिलीव करिए कि 20,000 के आसपास पेज हैं इस वेबसाइट में, 20,000। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मैं अगर इसे लंबे समय तक ले जाऊँ, मान के चलिए मैं इसे जून जून 2021 से ले जाता हूँ आज तक, तो आपको यहाँ से भी फेयर आइडिया हो जाएगा कि 183,258 का ट्रैफिक है जून से लेके मार्च तक का। और आप नीचे देखिए कि कितने पेजेज हैं, ये पेजेज हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो कंटेंट हम बना रहे हैं बहुत सालों से, 500 की जगह आप इसे 5,000 कर दीजिए, तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि कितने पेज हैं। कुछ पेजेस तो ऐसे हैं जो आते नहीं हैं, तो वो भी मिस हो जाएंगे इसमें, बट एटलीस्ट वो पेजेस आपको दिख जाएंगे जो कहीं ना कहीं लोगों को सर्च में मिल जाते हैं, क्योंकि जस्ट बाजार के ऊपर सारा ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है सारा। तो ये एक्चुअली यहाँ से डुप्लीकेट डेटा है, ये हम नहीं मानते इसको, तो 5,000 के आसपास जा रहा है, तो ये क्लेम लिस्टिंग वाले हटाने पड़ेंगे हमें समझने के लिए, मिसगाइड नहीं कर सकते चीज़ों को। हाँ ये यहाँ, हाँ डेटा आपका ये 3,136 पेज हैं, मैं खुद ही नहीं पता मुझे, तो 3,000 के आसपास हैं, बट इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा है, तो मुझे 2,000 का तो प्योर प्योर आइडिया है, 2,000 के आसपास तो हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ तो हजारों हो गए हैं, मतलब 5,000 के आसपास जा रही है संख्या, तो ये तो 5,000 पूरे हो गए, बट इतने पेज नहीं है, 2,000 के आसपास हैं, ये कुछ आईडी की वजह से डिफरेंट पेज बन रहा है, बाकी पेज 2,000 के आसपास हैं। तो 2,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सोचो 2,000 आप कितने दिन में बना पाओगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर कायदे के आप 20-25 पोस्ट अपनी वेबसाइट पर बनाते हो, 20-25, और उन्हीं पोस्ट को आपको इम्प्रूव करना है और उनमें वैल्यू ऐड करनी है, उनका कॉन्टेंट यूजर फ्रेंडली बनाना है,
तो ट्रैफिक खूब आएगा। उनमें वीडियोस भी रखी है, पीडीएफ्स भी रखी है, उसमें आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज कीजिए, वैल्यू ऐड कीजिए, उसमें लिस्ट बनाइए, उसी पेज को आप वैल्यू ऐड कीजिए। और अगर आपको कोई लगता है कि रेलिवेंट पोस्ट आपके पास है दमदार और उसके अलग से पोस्ट बनानी है तो अलग से पोस्ट बनाइए। ज़्यादा कंटेंट होने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखो तो कुछ ही पोस्ट ऐसी हैं जिनके ऊपर असली ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं सिर्फ 1 महीने की बात करता हूँ, 1 महीना की अगर आप बात करते हैं, तो एक महीने के अंदर टोटल ट्रैफिक है 13,427। तो अगर आप 100 लोगों को भी अच्छा मानते हो तो सिर्फ यहाँ तक अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ तक। उसके बाद 96 है, जो कि मतलब नकारा नहीं जा सकता, बट इस पेज को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस कीवर्ड पे ट्रैफिक ही ना हो ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ समझनी होंगी कि क्या इस कीवर्ड पे ट्रैफिक और ज़्यादा है तो मैं इस पेज को इम्प्रूव करूँ, और अगर ये पेज पहले से ही इम्प्रूवड है और ट्रैफिक ही कम है तो इट्स ओके, लीव इट। बट ये जो पेज है, एक एग्जाम्पल के लिए मिल गया है कि कुंभ राशि इन इंग्लिश, 88 का ट्रैफिक है, बट क्योंकि ये एक्वेरियस एक राशि से रिलेटेड है और हमारे इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंभ राशि होगी, वर्ल्ड में ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंभ राशि होगी, ज़्यादा नहीं तो 20-25 लाख, नहीं, ज़्यादा कम हो गया, कम से कम 4-5 करोड़, 4-5 करोड़ मिनिमम होंगे। देखिए, 1.25 अरब की जनसंख्या है हमारे देश की, तो ज़्यादा ही होंगे कुंभ राशि वाले लोग, 10 करोड़ के आसपास भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा आए, तो यहाँ जो ये पेज है इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसे पेजेस को आप इम्प्रूव करो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के लिए। तो ये था दोस्तों सेशन, पुराने गूगल एनालिटिक्स का, ये पुराना है, और ये नया वाला एनालिटिक्स है GA4। ये जो लेफ्ट पैनल है डिफरेंट दिखता है और पुराने वाले में डिफरेंट दिखता है। अब एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आपको कि ट्रैकिंग आईडी कहाँ से मिलती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है यूट्यूब चैनल पर कि गूगल की जो ट्रैकिंग आईडी है पुराने वाले एनालिटिक्स की कहाँ से मिलती है, नए वाले की कहाँ से मिलती है, ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप चेक करें। और गूगल एनालिटिक्स में और किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप वो बता दें, तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि रिसर्च करके प्रॉपर जो आपको चाहिए वही इजी लैंग्वेज में आपको दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।